नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर सहारा न्यूज। रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। छतरपुर में आज पुलिस लाइन मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की गई, जिसमें अपराधियों और पुलिस के बीच भिड़त। उपद्रवियों अगर पत्थर बरसाते हैं तो कैसे निपटना है, मच्छी भगदड़ की स्थिति को किस प्रकार से नियंत्रण करना है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति को हैंडल करने की पूरी तैयारी के साथ दिखाया गया। एसपी सचिन शर्मा के सामने पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल संपन्न हुई, जिसमें एसएसपी विक्रम सिंह, डीएसपी शशांक जैन सहित सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। हो रही है ये पुलिस मुख्यालय द्वारा अभी श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देश भी थे मॉक ड्रिल करने के संबंध में, और ये रूटीन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। इसके तहत पुलिस अपनी तैयारियों का जायजा लेती है कि अगर किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए हम तैयार हैं या नहीं। अभी आगामी त्यौहार भी हैं और वैसे तो शहर का माहौल पुलिस के चलते सौहार्दपूर्ण है, इसमें कोई दोराह नहीं है, लेकिन अगर आवश्यक शक्ति प्रदर्शन या शक्ति की जरूरत होती है तो आप उसका निश्चित रूप से इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। ये जनता जो देख रहे हो जानना चाहते जी, ये रिहर्सल है पुलिस की ताकि हम अपनी क्षमताओं में कमी ना, क्योंकि दूसरा जो हमने देखा जब आप लोग पुलिस पार्टी से इधर आ गए थे तो काफी जीवंत प्रदर्शन था ये वाला और बहुत जल्दी निपट भी गया। तो सेकंड जो ड्रिल है, जो सेकंड एग्जांपल है, वो इसलिए दिया जाता है कि पहले वाले की कमियां शायद उसमें दूर हो सके। जी, और ये लगातार चलने वाला एक हिस्सा है, सभी टीम की मेहनत से ही चीज़ें कंटिन्यू होती है, सभी कमियां एक्सप्रेस होगी। जिले के पुलिस लाइन में आज बलवा ड्रिल परेड की दोबारा से तैयारी की गई है और यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस भी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अलग अलग परिस्थितियाँ पुलिस के सामने बनती हैं, चाहे वो एक्सीडेंट की हो, दो पक्षों की लड़ाई झगड़े की हो, उनमें कैसे बातचीत करनी है, कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है। और हमेशा ये महत्वपूर्ण होता है कि जितनी आप तैयारी शांति के समय में करते हैं, उतना ही अच्छा जब रियल सिचुएशन या मैदान पे जब आती है तो उसको आप डील कर पाते हैं। आपकी डिमांड क्या है ये तो बताइए जरा। ये जो नौकरी ये आपके थाना छोड़ा दिया, इसकी नौकरी को क्या है, अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, मामला दर्ज कर दीजिए।